सो हेलो गाइस, पेड़ की छूते इंट्रो देने के चक्कर में लोड़ा लेसन। हाँ छोड़ो, अरे क्या बोलते हैं कि आज तुम्हारा भाई जिम तो गया नहीं, क्योंकि कल हमने एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में हमने खा लिया था वाइग्रा, और वर्कआउट करना था हमें, मतलब वाइग्रा खा के, जबकि वो बनाई किसी के और चीज़ के लिए है। तो उसके चक्कर में ना सर में पेन होने लगता ना, हेड में पेन होने लगता था, तो उसके चक्कर में बकचोदी हो गई थी। सो मॉर्निंग के टाइम पे मैं जिम नहीं गया था और इवनिंग में जाऊंगा, ठीक है। सभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30। अब चल रहा हूँ बिरयानी लेके आने, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं जो बनाऊँ बनाऊँ और फिर खाऊँ, क्योंकि वो 4 बजे के आसपास जिम चला जाऊँगा, ठीक है ना। वर्कआउट करना है हमें, ठीक है, इंटेंस वर्कआउट। हाँ, चलो बिरयानी लेके आते पहले, तो सबसे पहले उसके बाद से देखते हैं क्या सीन बैठता है। रोज की तरह आज भी बहुत तेज़ धूप निकला पड़ा है। जानते हो रात का सीन ऐसा था कि रात का मौसम बहुत तगड़ा हुआ था, थोड़ा बहुत बारिश हुआ था, तो हवा बहुत मस्त चल रहा था, बट अभी के टाइम में भेड़ की लोड़ी बहुत ही तेज धूप है भाई। सो तुम्हारा भाई लेके आ गया सारा का सारा, बिरयानी लेके आ गया, बिरयानी लेके आ गया हूँ, और ये मिठाई लेके आया था। पता है ना थोड़ा मीठा खाने का थोड़ा शौक है, तो कभी कभी मन कर देता है तो मैं लेके आ जाता हूँ। और हाँ सुनो ना बहन, चो देख मिनट, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, थैंक यू बोलना है आप लोगों को, पता है क्यों बता रहा हूँ? लाइन पर रहो, लाइन पर रहो, ऐसा लग रहा है जैसे कॉल पे बात कर रहा हूँ। अरे यार बॉडी को बहुत ज़्यादा एक्ने हो रहा है ना, तो ये मेडिसिन लेके आया तुरंत, अभी मेडिकल स्टोर पर गया था ना। सो एक भाई ने रिकमेंड किया था, भाई आप लोग इतने अच्छे हो ना, अगर कुछ चीज़ मुझे पता नहीं होती तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देते हो, तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को। तो बॉडी पे एक्ने हो रहा है ना, तो एक भाई ने रिकमेंड किया था इस मेडिसिन को लेने के लिए, सो दैट अभी परचेस करके लेके आ गया हूँ। महंगे बहुत मेडिसिन मिलते हैं यार, 450 रुपये का है अभी, 450 बस ये किसका है, कितने बधेरे चीज़ें तो ऑलरेडी मैं लेता हूँ। पेंचो लीवर के लिए, किडनी के लिए, हर एक चीज़ के लिए लेना पड़ता है मेडिसिन, उसके साथ साथ ये बॉडी पे एकने आ रहे हैं दाने, तो उसके 450 रुपये की टैबलेट ही अकेले अकेले, पेंट की बहुत खर्चे भाई अंधा। चलो बिरयानी खाता हूँ, गर्मी बहुत तेज़ हो रही है, फ़ैन चालू करो पेंचो, गर्मी में पेंचो फ़ैन बंद कर रखा है भाई आप लोगों से बात करने के लिए। सॉरी डार्लिंग, आवाज़ आ रही है अभी फ़ैन की, थोड़ा सा मैनेज कर लो हल्का सा भाई, गर्मी बहुत तेज़ हो रही है, मैं बंद नहीं कर सकता, बिल्कुल बंद नहीं कर सकता भाई। हाँ आम खाने आप लोगों को, आम का सीज़न आ गया बहन, तो खाओ आम, बिरयानी प्लस आम सही कॉम्बिनेशन है ना ब्रो। अब ये मिलो ले होके जिम के लिए निकलूँगा आराम से, मजे आते हैं आजकल आपसे लोगों से बात करके भाई, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा भाई। चला मैं तो जिम, ठीक है ना, टाइम हो गया, पहले मिठाई खाएंगे, दिख रहा है आपको, तो पहले मिठाई खाता हूँ मैं एक, और बॉडी में पूरा का पूरा कार्ब्स, मतलब एनर्जी तो होता है भाई, शुगर तुरंत पीक करेगा एनर्जी बॉडी के अंदर, फिर जाके जिम के अंदर हम सारा का सारा एनर्जी निकालेंगे बहन चोद। हाय हाय, सो चलो अब जिम चलते हैं, बट उससे पहले थोड़ा सा स्टेरॉइड्स और लीवर प्रोटेक्शन, बहन की थोड़ी काम गिर गया मेडिसिन, ठीक है ना। हाँ बोरा बोरा बहन की लोड़ी लीवर वाला तो बच जा रहा है, लेकिन स्टोर्स गिर जा रहा है। इतनी धूप में तो बहन की लोड़ी गांड ही फट जाए, बहन की लोड़ी सबकी भाई, मैं जब से वेट कर रहा था रिक्शा मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए, बट बहन चो इंतजार करते करते ना अब इतना करीब आ गया हूँ कि अब रिक्शा लेने का कोई फायदा भी नहीं है, तो चलो चलते जिम पे बहन की लोड़ी। पहुंच गया तुम्हारा भाई जिम, आज करने वाले चेस्ट, ओए होए शीशे में देखते कैसा पंप आया है, मतलब पंप क्या ही आया, तो चलो वर्कआउट करते हैं। Thank you.
भूख लगी थी तुम्हारे भाई को, तो भाई मोमोज पहले खाता था, अब बैंडचोद अंडे पे शिफ्ट कर गया भाई। 5 अंडे खाए तुम्हारे भाई ने और कोल्ड ड्रिंक। वैसे पता है तुम्हारे भाई ने ना क्या बोलते उसको, बैंडचोद ट्राईपोड मंगाया, ऑर्डर किया हूँ अभी जस्ट, जरूरी हो गया भाई। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ट्राईपोड से थोड़ा हेल्प तो मिल जाएगा कम से कम वीडियो शूट करने में। देखो कितने दिन में आता है अरे चाचा के भाई साइकिल छोड़ दो भाई। ओ बहन चोद भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा भर के है यार, पूछो मत, क्या ही बताऊँ मैं तुम लोगों को। और हाँ तुम्हारे भाई ने पनीर ले लिया भाई, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। विटामिन लो ब्रो, विटामिन लो। और ये बिस्किट नया आ गया है क्या पैकेज का? तो तुम्हारा भाई आ गया रूम पे और पनीर लेके आया था और ओरियो बिस्किट। बेसिकली बनाना शेक सोच रहा हूँ बना के रख दूँ, फ्रिज में रख दूँगा, आराम से अपना पड़ा रहेगा, जब पीने का मन करेगा बनाना शेक पी लूँगा और इस टाइम पनीर खाऊँगा। अभी ना शाम को अंडे खाए थे आप लोगों के सामने ही, तो अभी कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, सो दैट मैंने कुछ लिया नहीं बाहर से खाने पीने के लिए। गर्मी इतनी हो रही है ना बहन चौथ, पूछ मत, गांठ फट जा रही है बहन की, लोगों है गर्मी। तो सुनो हाँ रे हाँ, चलो ब्लॉग यहीं पे बंद करते हैं यार। सो आई होप कि आज की वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रेड कलर का बटन दिख रहा हो दबा देना। हाँ अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो एक बात और बतानी है आप लोगों को, मैं सोच रहा हूँ ना संडे को ना इंस्टाग्राम पर लाइव करने के लिए, सो आई होप कि आप लोग इंस्टाग्राम पर आ जाओगे। मेरा अकाउंट है 10 सोनू चौहान के नाम से, D Sonu Chauhan, ठीक है? तो आ जाओ इंस्टाग्राम पे और वहाँ पे संडे को लाइव करते हैं आराम से। कोई भी क्वेश्चंस होगा ना डायरेक्ट क्या बोलते हैं क्वेश्चन करना, मैं रिप्लाई करता रहूँगा बैक टू बैक, मतलब बोलता रहूँगा बेसिकली। बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए भी, मेरे लिए भी थोड़ा सा मजा आएंगे इंस्टाग्राम पे, थोड़ा सा देखते हैं इंस्टाग्राम की वाइब क्या होती है ना। इंस्टाग्राम से आज तक मेरी बनी नहीं है पता है तुम लोगों को, इंस्टाग्राम तो बच्चों से कम नहीं लगता मेरे को, बट अभी लगता है कि
इंस्टाग्राम बेटर ऑप्शन है अपने लिए, तो एक बार आ जाओ इंस्टाग्राम पे, आ जाओ बात करते हैं आराम से, और संडे को मिलते हैं लाइव। वैसे तो वीडियो ख़त्म हो गई थी, बंद ही कर दिया था, बट पता नहीं ना थोड़ी बहुत बात करने का मन कर देता है आप लोगों को। देखो दिन भर में एक्टिविटी जो भी करता हूँ सुबह से लेकर शाम तक, सारा का सारा शो करता हूँ वीडियो में, बट वो इसलिए करता हूँ कि दिखाना है कि मैं कर क्या रहा हूँ बेसिकली सारी चीज़ें। बट अब फुर्सत मुझे रात को ही मिलता है कि मैं आप लोगों से बात कर सकूँ आराम से और सुकून से। मेरे को सही लगता है ना कि मैं जो बंदे मतलब मेरे लाइफ में हैं और जो केयर करते हैं मेरी, बेसिकली केयर इन द सेंस कि बात करते हैं, भाईचारा हो। अब जैसे कि मैं अपने दोस्त से बात करता रहता हूँ, अब है मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो उससे मैं बात करते रहता हूँ रात को जब भी टाइम मिलता है, मैं कॉल कर रहता हूँ उसके पास जब थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया सारी चीज़ें हो गई तो। उससे खुद बात करते करते घंटे हो जाते पता नहीं चल पाता, तो उसकी तरह पहले क्या सीन था जब यूट्यूब पे थोड़ा सा कम कंसिस्टेंट था ना, मतलब कम वीडियो डालता था तो मैं उससे बातें करता रहता था, बट अभी के टाइम में बात तो उससे भी हो रही है, बट अब लगता है ना कि उसके अलावा भी आप लोग हो मतलब मेरे पास, कि हाँ भाई तो है ही अपना ऑलवेज अपने साथ, बट आप लोग भी एज ए ब्रदर मतलब आप लोग हो जो कि सपोर्ट करते हो आप लोग पूरा का पूरा मतलब। सो मेरे को भी लगता है ना कि आप लोग से बात करके थोड़ा सा रिलीफ मिलता है चीज़ों को लेके, और दिन में इतना बिजी शेड्यूल रहता है कि आपको भी पता है कि इतना टाइम नहीं है कि फुर्सत में बैठ के आराम लोग आप लोगों से बात करूँ प्रॉपरली, जैसा अभी बैठ के अभी बात कर रहा हूँ। भाग दौड़ खाना पीना ये वो सारी चीज़ें रहती हैं, जिम जाना है। देखो अकेले रहने में ना बहुत ज़्यादा, आप लोग पता नहीं, आप ऐसे बताना कमेंट में बताना कि आप लोग कितने लोग ना अकेले फ़िलहाल रहते हो, क्योंकि अकेले रहना बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है एक तरीके से। देखो जैसे पहले के टाइम ये था कि जब ये सब सारी चीज़ें नहीं थी, मतलब ट्रेनर नहीं था, मैं घर पे रहता था, तो कुछ भी करो खाओ पियो कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं है, मम्मी बना के दे देती थी सुबह का खाना, दोपहर का खाना, रात का खाना, कोई इशू नहीं था, सारे के सारे मज़े ही मज़े रहते हैं। बट जब खुद यहाँ पे रहना स्टार्ट किया हम घर से दूर, क्योंकि लाइफ में कुछ ना कुछ तो कर रहे हो ना, कब तक खाली बैठे रहोगे, ठोकरें लगती हैं, बहुत लोग मिलेंगे तुम्हें नीचे गिराने के लिए, भतेरे लोग मिलेंगे, मीठी मीठी बातें करते हैं सामने से बट पीठ पीछे बहुत ज़्यादा बकचोदी होती है। बहुत गिने चुने लोग मिलेंगे ना आप लोगों को जो सपोर्ट करेंगे आपको मतलब रियली दिल से, उनमें से मेरा दोस्त है जिसे मतलब मेरा फ्रेंड है तो एक ही है, बाकी सब तो मेरे को लगता है कि बस ठीक है। देखो अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो अच्छे से बात करें तो इसका मतलब ये नहीं कि सच में आपका दोस्त ही है। अब दुनिया में इतने सारे बंदे हैं, सबसे तो बात तो करोगे ही, बट सबसे वो वाली वाइब नहीं आती है ना, और मुंह के सामने तो कोई मीठा मीठा बातें कर लेता है, पीठ पीछे कौन क्या कहता है मैटर तो वो करता है ना। ये सारी चीज़ें बता के थोड़ा सा लगता है ना कि बहनचोद सही है, जो भी हो रहा सही है। मैं ना काफ़ी टाइम से ना मैं सोचता था ना कि कोई हो जो मेरी बातें सुने, कोई हो, क्योंकि अकेलापन बहुत बड़ी चीज़ होती है। वैसे अकेला रहना मुझे खुद पसंद है बट उस सेंस में नहीं। सुनो तो बात एक और बात बताता हूँ तुम्हें, जैसे कि फ़िलहाल का सीन क्या है ना कि मैं सोचता था ना अभी यूट्यूब वाला सीन नहीं, इसके पहले अभी जब मैं अभी कंसिस्टेंट नहीं था यूट्यूब पे भी कुछ महीने से, अभी तो कंसिस्टेंट जब से सीरीज चला रहा हूँ स्टीरोइड सीरीज चला रहा हूँ, उससे पहले ये सीन था ना, पहले ये सीन था कि मैं ना सोचता था कि भाई जिम की छुट्टी हो जाए तो मैं मस्त बैठ के घर पे मूवी देखूंगा फ़ोन में या फिर थिएटर चला जाऊंगा जो भी सीन हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं फ़ोन में ही देखता था और सोचता था कि घर पे वाइट चिल करूंगा, मस्त करूंगा, खाऊंगा पीऊंगा मज़े सारी चीज़ें। बट जिस दिन छुट्टी रहती थी ना उस दिन घर पे इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता था, फ़ोन चलाते 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 ना पता नहीं दिमाग पता नहीं अजीब सा हो जाता था, लगता था कि बहन जो कोई काटने को दौड़ रहा है, मतलब काटने इन द सेंस कि मतलब बोरिंग बहुत ज़्यादा ही कि कोई नहीं है ये वो, तो अजीब सा फील आता था कि छुट्टी तो चाहिए बट छुट्टी वाले दिन लौड़े लग रहे हैं बहन जो। बट अभी के टाइम में क्या है ना कि अभी रेस्ट करने के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा प्रॉपरली, मैं चाह रहा हूँ कि रेस्ट करूँ और रेस्ट का टाइम मिला तो मैं रेस्ट कर रहा हूँ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बट बहुत ज़्यादा अभी जानते हो क्या 12:45 मिनट हो रहा है अभी फ़िलहाल के टाइम में,
अभी तो इस वीडियो को एडिट करूँगा ना तो अप्रोक्सीमेट 2 तो कहीं नहीं गए, 2 तो बच जाएंगे। फिर सुबह 5:30 बजे उठ के जिम जाना पड़ेगा। तो कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा शेड्यूल ख़राब हुआ पड़ा था, पता तुम लोगों को बहुत ज़्यादा शेड्यूल ख़राब हुआ पड़ा था, मतलब सोने को लेके या रेस्ट को लेके। तो बहुत ज़्यादा थका थका सा फील हो रहा था ना, सो दैट आज ना सुबह जिम भी नहीं गया था मैं, सो ही गया था पूरा। 12-1 बजे सो के उठा था मस्त। उसके बाद से आप लोगों को बताई सारी चीज़ें, डेली रूटीन तो दिखाया है मैंने आपको। तो थैंक यू यार, मतलब आप लोग हो सारी चीज़ें, मतलब प्रॉपर भाई वाली फील आती है तुम लोगों के साथ यार। डीएम, हाँ सॉरी, हाँ डीएम इतने सारे आ रहे हैं ना आप लोगों के, कि पूछो मत, बहुत तगड़े तगड़े डीएम आ रहे हैं। मैं एक सजेशन दूंगा आप लोगों को कि डीएम कर रहे हो चलो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, बट है ना ट्राई करो ना कि कमेंट्स में ना कमेंट कर दिया करो, थोड़ा सा सही रहेगा मेरे ख्याल से। कमेंट में क्वेश्चन कोई है ना, कोई भी क्वेश्चन होता है, रिसेंट वाले पोस्ट पे ना जो मैंने पिन कर रखा टॉप पे इंस्टाग्राम पे, उस पर क्वेश्चन कर दिया करो, इसे ये अगर तुरंत हाईलाइट होगा कमेंट्स तो मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। वैसे डीएम करो कोई इशू नहीं, बट वैसे कर लो कि थोड़ा आंखों के सामने आ जाए। डीएम इतने सारे पड़े हैं ना, थोड़ा सा रिप्लाई करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, ऐसा नहीं कि रिप्लाई नहीं कर रहा, टाइम मिल रहा है ना, टाइम मिल रहा है तो मैं रिप्लाई कर रहा हूँ धीरे धीरे, कुछ बंदों को धीरे धीरे सबको। और टाइम नहीं है इसका मतलब आपको पता ही सारी चीज़ शेड्यूल का, आपको पता ही है मेरी हर एक चीज़ को लेके। मैं सोचता हूँ ना कि जो अभी रिप्लाई करूँगा थोड़ा सा ना कंटेंट पे थोड़ा ध्यान देता हूँ, थोड़ा वीडियो एडिट कर लेता हूँ, क्योंकि देखो कमेंट का तो ठीक है बट सॉरी मैसेज का रिप्लाई तो ठीक है, बट रेगुलर इस पर आप लोगों को दिखाना पड़ता है लाइफ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अब जैसे बात करूँ तो आपको पता चल रहा है ना वाइब आ रही है सारी चीज़ है। हाँ ये नहीं देखो मैसेजेस में क्या रहता है कि बैक टू बैक चैट करते हैं सारी चीज़ें बात करते हैं, तो थोड़ा सा उसकी बात अलग होती है जाहिर सी बात है, बट एक टाइम पर एक ही बंदे से बात कर पाऊँगा ना, ये भी है मैसेज में। और ये वीडियो के थ्रू ना आप लोगों से सबसे बात कर पाऊँगा, तो मैं प्रेफर करता हूँ थोड़ा सा वीडियो में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे पाऊँ वीडियो कंटेंट बनाने में, थोड़ा सा कंटेंट क्या जो डेली रूटीन है वो सारी चीज़ शो करने में, कि आप लोग ये सारी चीज़ें देख पाओ सारे एक साथ सारे भाई हो ना। तो बट ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि रिप्लाई नहीं कर रहा, कर रहा हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, अच्छे अच्छे डीएम आ रहे हैं भर भर के। और इंस्टाग्राम पे मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना कि आप लोग भी आ जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, कि इन फ्यूचर आप लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मेरे से कनेक्ट रहोगे ना, तो अगर किसी प्लेटफॉर्म पे दिक्कत हो रही है अकाउंट को लेके, कि आजकल अकाउंट पता नहीं बहुत सारे भसड़ होती रहती है, सो आप लोग मेरे अलग अलग प्लेटफॉर्म में जुड़े रहोगे तो पहली बात तो अपडेट्स मिलते रहेंगे आप लोग। इंस्टाग्राम पर बहुत जल्दी अपडेट मिलते हैं, तुरंत मैं कुछ ना कुछ पोस्ट कर देता हूँ, सो उससे जुड़े रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, कि सोनू भाई कहाँ पे क्या कर रहा है कहाँ पे क्या नहीं कर रहा, सारी चीज़ें पता चलती रहेंगी। और ना मैं ट्राई कर रहा हूँ संडे को लाइव आने के लिए, इंस्टाग्राम पे आने के लिए सोच रहा हूँ। सो 1 बजे के आसपास अगर लाइव आऊँगा इंस्टाग्राम पे, तो 1 बजे के आसपास तो इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो कर लो, वहाँ पे लाइव करेंगे, मज़े आएंगे है ना, क्वेश्चंस करोगे आप लोग या जो भी बातें होंगी ऐसा सामने लाइव बात करेंगे। हाय हाय फील भाइयों के साथ जो फील है बहन की लोड़ी किसी के साथ नहीं है भाई, बहन जो खाली टाइम ना शैतान का मतलब खाली टाइम में ना दिमागी बहन से भसड़ घूमती रहती है। बट अभी के टाइम में ये लगता है कि टाइम खाली मिले तो आप लोगों से बात कर लूँ, क्योंकि दिन भर तो टाइम मिलता नहीं है, रात को टाइम मिला तो बात कर रहा हूँ आप लोगों से। और कुछ आई थिंक सारी चीज़ें तो बात कर ही लिया मैंने, अब थोड़ा सुकून से नींद आएगी है ना, बहुत ज़्यादा सुकून से नींद आएगा अब कि हाँ चलो आज मैंने भाइयों से बात कर ली। मतलब ये नहीं है ना सब्सक्राइबर्स करते रहते हैं, सब्सक्राइबर्स एक वर्ड है चलो ठीक है, बट ना भाईचारा ऑन टॉप है भाई, भाई हो तुम लोग भाई, सच में ना लोग भले ही यूट्यूब पे बोलते हैं फैमिली हो आप लोग ये है वो, बट मेरे से पूछो ना जेन्युइनली बता रहा हूँ ना, प्रॉपर भाई वाली फील आती है, रियली बता रहा हूँ मैं, ऐसा लगता है कि बस आप लोगों के साथ ही पैदा रहता था बट अभी दूर हूँ, तो इसकी वजह से वीडियो के थ्रू आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ऐसा लगता है फील, ऐसा फील होता है कि आप लोगों के साथ पहले रहता था बट अभी बात करने का यही जरिया है कि यूट्यूब या फिर ये वीडियो के थ्रू, तो सो दैट ऐसे बातें कर रहा हूँ आप लोगों से, तो वो वाइब है अपने साथ, मतलब ठीक है जो भी है सारी चीज़ें बढ़िया चल रही है। और फिजिक कैसी लग रही है, और सुनो ना वो क्या बोलता है कि जब बॉडी के ट्रांसफॉर्मेशन का सीन है ना तो थोड़ी बकचोदियाँ मेरी लाइफ में रहती हैं,
आपको भी पता कि थोड़ा चिल रहने वाला बंदा हूँ, तो इतना सीरियस रहता नहीं चीज़ों को लेकर, डाइट वाइट को हर एक चीज़। और अभी एक्सप्लेन किया था मम्मी वाला बातें कि हाँ अकेले रहना थोड़ा सा वो रहता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्या इशू दूँ आप लोगों को, इशू तो बहन छोड़ो ना, ठीक है। वैसे थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। वैसे भाइयों को थैंक यू बोल सकते हैं क्या? हाँ हाँ चलो ठीक है ना, चलता हूँ मैं भी। अब थोड़ा सा वीडियो एडिट करूँ इसको, और फिर अगले दिन जिम जाना है। और हाँ एक टिप दूँ, जैसे कि अभी फिलहाल के टाइम में जब मुझे भूख लगता था ना बहुत ज़्यादा, मतलब फ़ोन चला रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ तो भूख लगती थी, तो देखता था कि फास्ट फूड में या कुछ क्या रखा है नॉर्मल हल्का फुल्का जंक फूड में, तो बिस्कुट रखा मिल जाता था, मिठाइयाँ रख जाती मिल जाती थी, तो मैं खा लेता था। अब फिर बोलता था बाद में कि भूख नहीं लग रही, डाइट नहीं पूरा हो रहा है वो, बट अभी जानते क्या कर रहा हूँ, भूख लग रही है ना मेरे को तो मैं खा नहीं रहा ये मिठाइयाँ उठाइयाँ, तब नहीं खा रहा हूँ। ऐसा मिठाइयाँ तो खा रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, बट भूख लग रही तो नहीं। मैं सोच रहा हूँ ना भूख लगने दो, जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही ना वो भी खाऊंगा तो मज़ा आएंगे उस टाइम पे। अब जैसे कि मेरे को क्रेविंग हो रही है, भूख सी लग रही है। अब मेरे पास ओरियो बिस्किट भी पड़ा हुआ है और क्या पड़ा हुआ है, मैगी पड़ी हुई है, मैगी बना के खा सकता हूँ। बट ना मैं कह रहा हूँ माँ की छूत छोड़ो ना, अभी पनीर लेकर आया तुम्हारा भाई, पनीर खाएगा, थोड़ा सा गेनिंग करते हैं अच्छे से। पनीर की क्वांटिटी कम रहती है बट ना कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। वैसे 250 ग्राम लेकर आया हूँ, देखता हूँ कितना खा पाऊँगा कि नहीं। वीडियो बनने का बंद करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, ठीक है ना, ऐसा लगता है बात करते रहो आप लोगों से, अलग ही फील है ब्रदर, अलग ही फील है बहनचोद, अलग बहनचोद। इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, इतने मतलब इतने सपोर्ट करते हो आप लोग ना, बहन की लोड़ी में भी शायद ही किसी को इतना सपोर्ट मिलता होगा, पता नहीं यार, भाई हो तुम लोग यार। चलो इंस्टाग्राम पे मिलते हैं ना, इंस्टाग्राम पे अभी अभी अगर देख रहे हो ना तो इंस्टाग्राम पे अभी थोड़ा सा ना जाके फॉलो कर लो, क्योंकि संडे को लाइव आऊँगा तो नोटिफिकेशन चली जाएगी, और ट्राई करूँगा 1 बजे आने के आसपास लाइव आने के लिए, संडे 1 बजे हाँ ठीक रहेगा। सो जल्दी से फॉलो करें इंस्टाग्राम पे और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो इंस्टाग्राम पे मिलते हैं, बाय, गुड नाइट, बाय।